नो, सवाल नंबर 9 चित्र आपके दे रखा है सवाल के अंदर, और ये कौन सा चतुर्भुज दे रखा है आपके समांतर चतुर्भुज सवाल के अंदर आपके दिया हुआ है, जिसमें आपके ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके बराबर, ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ है। हमें करना है सिद्ध AC और PQ, ये तो है आपके AC भुजा और ये दे रखी है PQ भुजा, क्या आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ये करना है हमें सिद्ध करना है। कैसे मालूम पड़ेगा आपके, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए सर्वांशम, तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो सर्वांशम के लिए हमें क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए, जिसमें कम से कम एक क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए, तीनों कोण काम नहीं है, कम से कम क्या होनी चाहिए, एक भुजा होनी चाहिए। देखो उपपत्ति में एक ये त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, त्रिभुज AOP, दूसरा नाम है त्रिभुज COQ, दोनों त्रिभुजों से हमें कितनी चीज बराबर करनी है, तीन चीजें, इसमें एक आगे कम से भुजा होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए आपके भुजा होनी चाहिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2, इसलिए कोण नंबर 1 उसका कोण नंबर 2 बराबर क्यों, बताओ, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2। सवाल में लिख रखा है कि कौन सा त्रिभुज है समांतर त्रिभुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है समांतर, और समांतर भुजाओं में एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर, हम यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण। अब क्यों है ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर है, क्या नाम है, AB समानांतर क्या है DC, क्योंकि समांतर त्रिभुज है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर। दूसरा ये वाला कोण ये भी लिख सकते हो या ये भी, तो बोलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है बराबर, कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4, कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4, ये भी क्या है एकांतर कोण, और वही नियम आपके नियम कौन सा लेगा शीर्षा बिंदु, ये दोनों लेते हैं तो आपके एकांतर कोण, और ये दोनों ले रहे हैं तो क्या आएगा आपके शीर्षा विमुख कोण। इसमें रेखाएं समांतरों कोई जरूरी नहीं है, जो रेखाएं आपस में काट रही है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे आपके बराबर। अब एक और बताना नाम, कोण नहीं बताना है भुजा बतानी, इस त्रिभुज की AP भुजा और इस त्रिभुज की CQ भुजा क्या होगी बराबर, तीनों कोण नहीं आएंगे तो क्या होगा आपके AP बराबर क्या दे रखा है CQ, बताओ नियम कौन सा लगा, ये क्यों बराबर हुई, सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ, तीनों भुजाएं या कोण जो भी है कहां से आए कारण लिखना, वही भी सही कारण लिखना है, तो नियम कौन सा लगेगा, ASA नियम, देखो कौन कौन भुजा है तो क्या लिखेंगे हम AA वाला नियम लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ वाला कौन लेते तो जरूर नहीं देते ASA, यहाँ लिखते तो कौन बराबर होता, अल्टरनेट एंगल यही एकांत कौन लिखते थे तो हो जाता। AAS नियम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOP सर्वांशम है त्रिभुज COQ के, तो उसके अन्य भाग क्या होंगे बराबर, अगर किसी त्रिभुज के 3 भाग बराबर है तो बाकी 3 भाग भी क्या होंगे बराबर, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, क्या नाम है AO बराबर क्या है CO, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, क्या नाम है PO बराबर QO, PO बराबर क्या है QO, कारण बताओ BCPCC, इसका मतलब होता है सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग क्या है आपके बराबर, और हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं BCPCD, मतलब शॉर्ट में हिंदी लैंग्वेज में लिखे कि सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, शॉर्ट में होंगे BCPCD। अब देखो इसके बाद में 2 टुकड़े हो गए और इस भुजा के क्या हो गए आपके 2 टुकड़े हो गए, इसका मतलब ये लाइन सही है आपकी, क्या लिखोगे AC व PQ लिख सकते हो, अतः AC व PQ क्या हो रहा है परस्पर संधिभाजन, क्या हो रहा है परस्पर हो रहा है संधिभाजन। अब इधर ध्यान दो, इसमें आपके देखो सवाल के अंदर दे रखा है ये है मध्य बिंदु, एक चतुर्भुज है आपको बनाया हुआ नहीं है आपको बनाना है, तो पहले क्या करेंगे हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ये कौन सा है समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, पहले तो बना चतुर्भुज बना ले, इसमें देखो क्या दे रखा है ई, ये बिंदु क्या है इस भुजा का मध्य बिंदु है, इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके बराबर, और साथ में ये ई से या AB के समांतर लाइन खींची हुई लिखा हुआ अंदर कि यहां से एक समांतर रेखा खींची हुई है,
तो आपके ये समांतर है, ये समांतर है और ये भी समांतर है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये वाला बिंदु भी इस भुजा का क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। सबसे पहले करेंगे हम रचना, और रचना क्या करेंगे हम, बी व डी को मिलाया, क्या लिखेंगे, बी व डी को मिलाया, इन दोनों कैसे मिलाना है ताकि वो नियम लगा सके मध्य बिंदु करने वाले, बन गया त्रिभुज, ये वाला यहां से लगा कर यहां बन गया त्रिभुज। अभी मैंने बताया भी था अगर एक बिंदु मध्य बिंदु है और रेखा समांतर है तो ये वाला बिंदु भी क्या कहलाएगा, इसका मध्य बिंदु कहलाएगा। बता रहे यहाँ अलग से वो वाला नियम लगाना है। अगर देखो दोनों तरफ मध्य बिंदु है तो नियम लगता है मध्य बिंदु प्रमेय, लेकिन एक तरफ मध्य बिंदु है रेखा समांतर क्या लगेगा, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, मतलब उसका उल्टा। जैसे देखो पहले ये त्रिभुज, इसका नाम क्या है, पहले उत्पत्ति, सबसे पहले त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी, त्रिभुज है ए बी डी से। देखो ये वाला त्रिभुज का नाम क्या है आपके, ए बी, और ये दे रखा है डी, यहाँ पर है आपके ए बी, और यहाँ क्या दे रखा है आपके डी, और ये क्या है इसका मध्य बिंदु। तो सवाल के अंदर क्या है लिखा हुआ, और ये समांतर है खींची हुई यहाँ पर, तो यहाँ जो बिंदु बनेगा वो क्या होगा इसका मध्य बिंदु, इसे नाम बन लिखा दो आप क्या लिख दोगे, जी बिंदु। ये जो दो, ये दोनों तो बराबर है और रेखा भी क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है, तो ये वाला बिंदु भी क्या होगा इसका मध्य बिंदु होगा। पहले लिखेंगे ये वाला लाइन, ई क्या है, एडी का मध्य बिंदु, ई क्या है, ई है एडी का मध्य बिंदु। दूसरा ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके, समांतर, ई जी समांतर क्या है, ए बी, ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ, लिखा सवाल के अंदर के ई से एक रेखा जाती है जो आपके ए बी के क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है, तो ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके, समांतर है। अब बताओ जब एक बिंदु मध्य बिंदु हो और दूसरी भुजा क्या हो, समांतर, तो ये वाला बिंदु भी इस भुजा का क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा, तो क्या लिखेंगे, अतः जी बी डी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, क्या लिखोगे, मध्य बिंदु होगा। कारण बताओ, कारण क्या लिखोगे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, क्या लिखोगे, बिंदु प्रमेय का विलोम, मतलब उसका उल्टा के नियम है। जब तो मध्य बिंदु हो तो रेखा समांतर होती है, समांतर दे रेखा है मध्य बिंदु दे रेखा है, ये बिंदु क्या होगा इसका, मध्य बिंदु होगा, कारण है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हो जाएगा। अब हम लेंगे ये वाला, अब देखो ये बन गया मध्य बिंदु हो गया ये वाला, तो अब ये वाली भुजा और ये वाली क्या होगी आपके, बराबर। अब हम लेंगे वो वाला त्रिभुज उधर से, ये तिरछा ऐसे, ये वाला बिंदु, ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसका नाम क्या दे रखा है, बी, ये दे रखा है डी, ये है आपके जी। अब अभी हमने सिद्ध किया था कि ये क्या है इसका मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है बराबर, और ये रेखा क्या है आपके, समांतर है। अब वही नियम क्या लगाएंगे, तो ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा इसका, मध्य बिंदु कहलाएगा, यहाँ दे रखा एफ, चित्र को उल्टा समझना ऐसे, ये त्रिभुज दे रहे, कौन सा त्रिभुज बताओ, त्रिभुज का नाम हो गया बी सी डी, क्या लेंगे, त्रिभुज बी सी डी से, ये वाला बिंदु G, G क्या है, BD का मध्य बिंदु, G क्या है, BD का मध्य बिंदु, क्यों है मध्य बिंदु, क्योंकि हमने अभी क्या किया है, सिद्ध किया है, आप तो उसे क्या मान लो, समीकरण नंबर एक, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर एक से, यहाँ लिख सकते हो कि हमने अभी क्या कर लिया है, इसको सिद्ध कर लिया है। अब ये मध्य बिंदु है और ये रेखा क्या दे रखी है आपके, समांतर, क्या नाम है, जी एफ समांतर क्या है, डीसी, जी एफ समांतर क्या है, डीसी। अब क्योंकि ये पूरी लाइन समांतर है तो आधी लाइन भी क्या होती है, समांतर, समांतर कोई नाप नहीं होता है। अगर ये भुजा इसमें इसका इसके साथ नाम लिखो या इसका इसके साथ नाम लिखो या पूरा नाम इसके साथ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाप तो है नहीं, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपके क्या होगी, समांतर, क्योंकि पूरी रेखा समांतर, इसलिए ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ, सवाल में लिखा हुआ है कि ई बिंदु से एक समांतर रेखा जा रही है जो ए बी और दोनों में क्या है आपके, समांतर है। अब एक बिंदु मध्य, वही नियम, एक बिंदु मध्य बिंदु, दूसरी भुजा क्या है, समांतर, तो तीसरी भुजा का भी क्या होगा, ये मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु है, रेखा समांतर है, तो ये वाला बिंदु भी क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। एफ क्या है, बीसी का मध्य बिंदु, अतः
एफ क्या होगा आपके बीसी का मध्य बिंदु। कारण क्या है आपके मध्य बिंदु परमेय का विलोम, मतलब उसका उल्टा। अच्छा क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए आपके, हो गया मध्य बिंदु। उतारो